मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुछ नहीं। फिर क्यों किया मेरे साथ ही सब कुछ? ऐसा क्योंकि मैं जान गया था कि तुम्हें मोहब्बत की जरूरत है और मुझे दौलत की। इट्स एज सिंपल एज दैट, नथिंग पर्सनल आनी। मगर क्या और क्या पूछना चाहती हो तुम मुझसे? हाँ साहब जी। हाँ अपनी गाड़ी कहां पार्क की? बाहर। पागल तो नहीं हो गई? इससे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कमाल के ऑफिस से कोई शख्स आया। कमाल के ऑफिस है? मोहब्बत करती हो किसी से? और जमशेद नाम है उसका। आज से 20 साल पहले अगर शमसा ने ये बात मुझसे की होती तो ना जाने क्या करता मैं। जान से मार देता दोनों को। पानी लेकर आया तुम्हारे लिए। लो, ऐसा तुम्हें जरूरत है पानी। पियो ना। आइजल से मोहब्बत करते हो या? उसे भी मेरी तरह धोखा दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता? तुम जैसा शख्स किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, सिर्फ धोखा दे सकता है। लेकिन याद रखना, मैं भी ये शादी होने नहीं दूंगी। वाह, कितनी खूबसूरत स्पीच दी है तुमने। अगर मैं आयजल के साथ धोखा कर रहा हूं तो तुम कमाल के साथ क्या कर रही हो? मुझमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं है। हम दोनों एक जैसे हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरा घर नहीं बच सकता ना, तुम्हारा घर भी टूट जाना चाहिए। क्या सोच रहे? कुछ गलत कहा मैंने? धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, मशवरा दे रहा हूं। सीधी सी बात, तुम मेरा पर्दा रखो, मैं तुम्हारा पर्दा रखूं। खैर, इन सब बातों को छोड़। मैंने सुना है कि कमाल साहब ने तुम्हारे नाम की एक नई कंपनी खोली। तो अब तो तुम्हें पैसों का कोई मसला नहीं होना चाहिए यार। अब तो पैसे तुम्हारे पास बेशुमार होंगे।